कैंट पुलिस ने यूपी के टॉप 61 माफियाओं की लिस्ट में शामिल माफिया राजन तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आपको बता दें कि यह मुकदमा रविवार की देर रात कैंट पुलिस ने दर्ज किया है। राजन तिवारी ने बीते गुरुवार को गिरफ्तारी के बाद कचहरी से जेल जाते वक्त पुलिस वालों को गाली दी थी। इतना ही नहीं, पुलिस के विरोध करने पर राजन ने जेल से छूटकर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस की गाड़ी के पीछे चल रहे माफिया समर्थकों ने सिपाहियों के रुकने पर उनसे धक्का मुक्की कर ली थी। राजन तिवारी के जेल जाने के बाद पुलिस ने इसकी शिकायत एसएसपी से की थी। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने इस मामले में तत्काल केस दर्ज करने के लिए निर्देश दिए। कैंट थाने में तैनात सिपाही जयप्रकाश यादव, शरद, सौरभ और सुजीत की तहरीर पर माफिया राजन तिवारी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और सिपाहियों को धमकी देने का केस दर्ज किया है। कैंट थाना प्रभारी को दी गई तहरीर में पुलिस वालों ने लिखा है कि 18 अगस्त की शाम सोहगौर निवासी राजन तिवारी हाल मुकाम तारा मंडल खोराबार को न्यायालय में पेश करने के बाद वे लोग जिला कारागार ले जा रहे थे। कचहरी से निकलते ही राजन तिवारी उन लोगों को गाली देने लगा। विरोध करने पर कहने लगा कि तुम लोग मुझे जेल ले जा रहे हो, वहां से निकलने के बाद किसी को नहीं छोड़ूंगा। सरकारी वाहन के आगे पीछे माफिया रहे तिवारी के समर्थक भी चल रहे थे। विरोध करने पर हाथापाई करने पर उतारू हो गए। वह पुलिस कर्मियों को डराने के साथ सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे थे, जिसके बाद एसएसपी के निर्देश पर रविवार की देर रात्रि माफिया राजन तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के एक वांछित अपराधी राजन तिवारी को बिहार के रक्सौल से गिरफ्तार किया गया, जिसमें एसओजी एवं कैंट पुलिस द्वारा ये गुटबक किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान उसने गिरफ्तारी होने से काफ़ी बचने के प्रयास किए एवं गिरफ्तारी होने के बाद में उसने पुलिसकर्मियों को धमकी दी और बताया गया कि जेल से बाहर निकलने पर आप लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए थाना कैंट के जो टीम गिरफ्तार करने गई थी उसी के एक कांस्टेबल द्वारा ये मुकदमा लिखाया गया है, जिसमें सरकारी कार्य में बाधा एवं धमकी देने के मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें आगे की जो विधिक कार्रवाई हो की जाएगी। थैंक यू।